एवरीवन, आज ही सैटरडे एंड हैप्पी सैटरडे। तो जैसे कि सैटरडे मेरा स्पेशल वाला व्लॉग आता है जो कि फूड के ऊपर कम्प्लीटली मेरा लंच रूटीन होता है, तो आज भी वही होगा। और ये जो थैला है इसमें ऑब्वियसली आज का पूरा बाजार है, जो सब्जी बाजार, सब्जी मैंने ली है वो, और ये है फिश। तो ये राइस से आज मैं बनाऊंगी बिरयानी। ये एक्चुअली बिरयानी राइस नहीं है, ये है स्मॉल ग्रेन फ्लेवर्ड राइस, आप बोल सकते हैं इसे गोविंद भोग राइस, बिल्कुल ऐसा ही एक फ्लेवर आता है इसमें से। तो ये पुलाव के लिए नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, तो आज मैं इसे बनाऊंगी मेरा प्रॉन बिरयानी। तो चलिए, बहुत दिन हो गए प्रॉन का कोई रेसिपी नहीं बनाई, तो आज मुझे लगा कि आज थोड़ा सा प्रॉन का रेसिपी बनाते हैं। और अलग से राइस बनाना, अलग से कुछ बनाना, इससे अच्छा है कि अच्छा सा बिरयानी बना देते हैं, बहुत दिन हो गए वो भी नहीं बनाई, तो तैयारी कर लेते हैं। पर उससे पहले तैयारी तो बाद में करेंगे, अभी मैं राइस को भिगो दूंगी और उसके साथ साथ मैं लूंगी चाय। और मिथुन लेने वाले हैं ड्रिंक, जैसे कि मिथुन ओजीवा ड्रिंक लेते हैं, अब मतलब बहुत सारे ड्रिंक लेते हैं, वो मैं आपको किस्सा क्या बोलूँ, आप मतलब सुन सुन के हैरान हो जाएंगे। हम ओजीवा ड्रिंक लेते हैं, फिर डी प्रोटीन, फिर वुमेन हॉर्लिक्स, बहुत सारे ड्रिंक्स। मिथुन वुमेन हॉर्लिक्स नहीं लेता, सॉरी ये मैं लेती हूँ, और ओजीवा हम दोनों के लिए ही। मम्मा और डैडा फिश लेके आ भी गए और अपना कुकिंग का कुछ हद तक स्टार्ट भी कर दिया है, और आर्यन अभी तक ऐसे हालत में है, मतलब छुट्टी का पूरा पूरा मजा ले रहे हैं आर्यन। बट इन समर हॉलीडेज इज इट इम्पोर्टेंट टू गेट आउट ऑफ द बेड? यस इट इज। এটা মানে বাবু, এটা আর্যন, এটা বাবু, এটা তোমার, আর আমার তো চা দেখেই বুঝতে পারবে। উঠে পড় বাবু, উঠে পড়। शाम का टाइम है, तो वीडियो के पहले कुछ मिनटों में मैं इस मेकअप लुक को आपको दिखाना चाहती हूँ। जा रहे तो मैं जल्दी से झटपट से तैयार हो जाऊँ, और अभी मैं यूज़ करने जा रही हूँ स्टेक किर्की का लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन। ये हाईली कवरेज देते हैं और मेरे स्किन टोन के साथ तो ये कम्प्लीटली मैच करता है, तो थोड़ा बहुत जो पैचेस यहाँ पे दिख रहा था वो सारे कवर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल के कंसीलर। ये कंसीलर कम कंट्रोल कम फाउंडेशन है, पर इसे मैं एज अ कंसीलर यूज़ करूँगी। अंडर आई को भी अच्छी तरह से ये
कवर किया है, आंखों के सामने कुछ भी दूना तो पानी आ जाता है आंखों में। अगर मिथुन के सामने बोलूंगी तो मिथुन का क्या जवाब होगा क्या पता है? कुछ दिन बाद तो तुम अंधी होने वाली हो वैसे भी, क्योंकि मेरा पावर है मैं फिर भी स्पेक्स नहीं पहन रही हूँ। अगर एक बार स्पेक्स पहन लेती हूँ ना तो जिंदगी भर वो पहन के घूमना पड़ेगा। फिर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट में यूज कर रही हूँ कलर बर्ड के। फिर मैं जो काजल अप्लाई कर रही हूँ वो है NYB का एक्स्ट्रा डार्क वाटर रेजिस्टेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग काजल। एंड गाइज, ये जो सारे प्रोडक्ट्स है purple.com से, तो वहाँ पे अभी ये सारे प्रोडक्ट्स जो कि मैंने अभी अभी यूज़ किए सबके ऊपर चल रहा है 50% ऑफ। तो 50% ऑफ का अगर आपको फैसिलिटी लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक, एक लिंक तो ऑब्वियसली मैं दे दूंगी, पर एक कोड है, उस कोड को यूज़ किया बिना वो ऑफर आपको नहीं मिल सकता, वो है ब्लॉगर कोड। तो उस कोड को आप यूज़ कीजिए और जाके जो भी ब्रांड का जो भी कॉस्मेटिक्स चाहिए अब बस ले लीजिए, मेकअप प्रोडक्ट्स ओके आप ले लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा 50% ऑफ। बाय द वे, अभी मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी और ये मैं अप्लाई कर रही हूँ पर्पल का। है गो, रेडी हो चो? हमार तो है गलो। यस, लिपस्टिक अप्लाई कर लिया, दैट मीन्स आई एम रेडी। उसके बाद और कुछ नहीं रहता। तो ये रहा श्रिम्प, तो इसे मैं अभी मैरिनेट करूंगी और उसके बाद ही इसे कुक करूंगी। तो इसमें थोड़ा सा पानी है, ये मैं फेंक दूं। तो इसे मैं मैरिनेट करूंगी, वो मतलब बेसिक जो सारे मसाले होते हैं उसके साथ। रोज वाटर एंड कैरा वाटर इसमें मैं ऐड करूंगी। तो राइस मैंने बना ली है यहाँ पे, छोटे छोटे दाने के राइस, इसका खुशबू तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। अभी देखते हैं कि बिरयानी के हिसाब से ये कैसा लगे, क्योंकि इसका खुद का भी एक फ्लेवर है और बिरयानी का जो फ्लेवर है वो भी आ जाएगा। तो आई होप कि दोनों ही जब इतना अच्छा है तो मिक्स होने के बाद और भी अच्छा बनेगा। तो ये जो मैरिनेटेड प्रॉन है इसे मैं थोड़ा सा कुक कर लूँगी जब तक कि ना अनियंस अच्छी तरह से कुक हो जाए, क्योंकि ये जो प्रॉन है ये बहुत ही जल्दी कुक तो हो जाते हैं पर अनियन नहीं होता, तो अनियन को भी अच्छे से कुक करना है। ये रहा प्रॉन कड़ी, मतलब प्रॉन हो चुका है। तो अभी इसमें मैं राइस ऐड कर दूंगी और इसका मैं लेयर नहीं बनाऊंगी, ऐसे इसके ऊपर पूरा जो राइस है ये स्प्रेड कर दूंगी। तो राइस को चारों तरफ स्प्रेड कर लिया है, तो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी घी। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी चॉप कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिलीज, ऐसे स्प्लिटेड ग्रीन चिली इसके अंदर मैं इस तरह से दूंगी ताकि बिरयानी से एक रॉ चिली का जो फ्लेवर है वो आए। और वैसे भी दो चिली मैं इसके साथ कुक करने के मतलब प्रॉन को कुक करने के टाइम में दो चिली ऑलरेडी मैंने ऐड कर लिया था, तो इसके कारण इसमें से बहुत अच्छा खुशबू आ रहे हैं। एंड इसमें कोई
चिकन बिरयानी जैसा खुशबू है वो मैं नहीं चाहती, तो इसलिए चिकन बिरयानी का जो मेन चीज़ है बिरयानी इत्र यानी कि बिरयानी एसेंस वो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। अभी थोड़ा सा बिरयानी मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी। और ये रहा केवड़ा वाटर, रोज वाटर मैं और ऐड नहीं करूंगी। और यहाँ पे अभी पानी गर्म हो रहा है, हाँ लगभग हो भी चुका है, तो इसके ऊपर मैं ऐसे स्टीम दे दूंगी 15-20 मिनट्स के लिए। खाना हो गया तैयार। और really, आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा मैंने सोचा था, क्योंकि मेरे घर में जो काम करते हैं तो बर्तन सब झूठा था, तो वो थोड़ा सा लेट से आए, पर नहीं इतना इजी था, इतना इजी कि बहुत जल्दी मैं कर पाई एटलीस्ट लंच से पहले। नहीं और दूसरा है बिरयानी मेरा फेवरेट चीज़ है, तो और भी भूख लग गया। और मेरा एक आदत है नहाने के बाद इमीडिएट मुझे खाना होता है। बहुत बुरी आदत है क्योंकि मिथुन का अगर मुझे सारा खाना तैयार करना पड़े तो उसके बाद तुम्हारा खाना तैयार हो चुका है? हाँ हो चुका है, तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने। मतलब नहाने के बाद शावर के बाद वो गीले बालों में ही मिथुन को लंच करना है बस। बाबा छुड़े जाओ तो मिथुन हमला। और मिथुन हाथ से खाना खाने वाले हैं क्योंकि मिथुन को उससे ही कंफर्टेबल फील होता है, पर मैं जितना कम झूठा हो मेरा हाथ उतना ही अच्छा लगता है। आर्यन हमला, खबर ऊपर हमला करते नहीं, खबर ऊपर हमला करते नहीं, তাই জন্য আমি কখনো খবর ऊपर অ্যাম্বুশ করি না। আমি তোমাকে অ্যাম্বুশ করব পিটায়ে। तो एवेंजर्स देखने के बाद सबको थोड़ा सा एवेंजर्स की रस लग गई है, तो आज हम लंच करते हुए क्या मूवी देख रहे हैं पता है? थॉर का कोई मूवी, मार्वल थॉर का मैंने सारा कुछ देख लिया, सब देख लिया, तो हम तो नहीं देखे ना। मैं एवेंजर्स की मूवी पहले कभी नहीं देखा, पहली बार ये आर्यन के लिए वो देखना पड़ा। एंड गेम छो ना मुझे एवेंजर्स एंड गेम, और उससे पहले तीन चार एवेंजर्स को ही मैं जानती थी, उनका नाम ही मुझे पता था, आयरन मैन, थॉर, स्पाइडरमैन। तो एवेंजर्स से मूवी तो पड़े, हां तो मैं इन स्पाइडरमैन रोल खूब एक्टर भी छिलो ना, स्पाइडरमैन और बैटमैन ওই সব এখন তো দেখি না। ব্যাটম্যান মার্ভেল বিরিয়ানি बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी हुआ है। आर्यन कई मिथुन खे वालो ठीक बची की भूल अच्छा हुआ है, बट मुझे बंगाली स्टाइल अच्छा लगता है। और प्रॉन बिरयानी और बंगाली स्टाइल की अच्छा हुआ। तो ये देखिए मिस्टर आर्यन को यहाँ पे और मिस्टर मिथुन को यहाँ पे अभी तक तैयार नहीं हुए और मुझे बोल रहे थे कि चलो चलो जल्दी चलो लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे आज। हाँ आई एम रेडी। You are ready? अच्छा ये ढाल अच्छा हाँ हमेशा रेडी रहते हैं क्योंकि ये लोग कुछ भी पहन के बाहर जा सकते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं। सो गाइस ये जो मेकअप लुक है बहुत ही सस्ते का, जबकि मैं कोई मेकअप वीडियो शूट करती हूँ ना मेरे ब्यूटी टिप्स चैनल के लिए, तो लोग बोलते हैं कि थोड़ा ऐसा भी मेकअप लुक आप क्रिएट करो जो कि हम सबके मतलब पॉकेट फ्रेंडली हो। सारे बहुत ही रिजनेबल प्राइस का है और वो मैं वीडियो के जो स्टार्टिंग में मैंने मेंशन कर दिया था और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से सारे लिंक से आप जाके चेक कर सकते हैं। सो गाइज ऐसा नहीं होता कि हमेशा मैं सस्ते का कुछ यूज़ करूँ और महंगा वाला यूज़ करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि मैं एक वीडियो बना रही हूँ, मैं एक चैनल चला रही हूँ, तो यहाँ पे एवरेज का, बहुत सस्ते का या बहुत महंगा हर टाइप के मेकअप वीडियो आएगा प्रोडक्ट्स के ऊपर। जो भी आप खरीदने जाएंगे तो उससे पहले अच्छा वो मैं ले लूँगी, इतना प्राइस है उसका, तो पहले अगर इसके ऊपर कोई वीडियो देख लेती तो अच्छा होता कि ये स्किन पे अप्लाई करने के बाद एक्चुअली कैसा लगता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा महंगा प्रोडक्ट्स के ऊपर दिखाती हूँ, सस्ते थोड़ा सा कम प्राइस के जो मैं दिखाती हूँ वहाँ पे भी कुछ कॉमेंट्स आते हैं कि ये
एरागेरा प्रोडक्ट्स के ऊपर अब क्यों दिखाती हूँ, आपका स्किन खराब हो जाएगा। तो एरागेरा प्रोडक्ट्स पता नहीं आपके लिए क्या होगा, पर हमेशा सस्ते का चीज़ एरागेरा होता ऐसा नहीं है। तो हर टाइप के कमेंट्स आते हैं, जब भी सस्ता करो तो महंगा करो, महंगा अगर करती हूँ तो सस्ता करो, तो इस तरह से नहीं होता। जब मैं एक चैनल चला रही हूँ, अच्छा भूल ही गए थे, ये के ओ, थे। बिल्कुल कॉलेज बॉय लग रहे हो तो तुम। हाँ, बिल्कुल कॉलेज बॉय। हाँ, कौन देखे बोले, तुम अलग से जाओ ना। हाँ, जाने के बाद देखना। हम जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे एक कॉलेज बॉय के साथ, एक स्कूल बॉय और एक कॉलेज बॉय एक साथ हम जा रहे हैं। गए हैं रेडी और मम्मी पापा ऐसे बैठे, बेटा अभी से इतना लेट रेडी हो रहा है, जब स्टाइल सीखेगा तब क्या करेगा। मम्मी पे गया, मम्मी पे नहीं पापा पे गया। चूड़ा के दिल मेरा गोड़िया चली, मिथुन आजकल ये सब गाना सुन रहे हैं। अभी अभी बंद क्यों किया, कॉपीराइट इसमें नहीं आएगा कोई भी गाना। हाँ मैं आपको भी बता दूं, कोई भी गाना अगर बैकग्राउंड पे चल रहा है और उसके साथ अगर आप बात कर रहे हैं तो वो मिक्स हो जाता है। जब वो मिक्स हो जाता है तब कोई भी कॉपीराइट नहीं आता, क्योंकि ये गाना सिर्फ जब आप सुनाएंगे तो उस टाइम में कॉपीराइट आता है, पर जब मिक्स हो जाता है किसी साउंड के साथ तो कॉपीराइट नहीं क्लेम कर सकते वो लोग। तो मैं आराम से आपके साथ बात कर सकती हूँ और बैकग्राउंड में ये म्यूजिक हो सकता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि 25 इयर्स पहले का जो सॉन्ग है वो भी आप अपने वीडियोस में यूज कर सकते हैं, उसमें भी कॉपीराइट क्लेम नहीं हो सकता। रविंद्र संगीत आप यूज कर सकते हैं, रविंद्र संगीत में कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं होता। आप लोगों को पता है मैडम एक नया मूवी निकाल रही है, गाड़ी एक मंदिर है। कभी कभी हो जाता है अगर दूसरे कोई मूड में रहूं ना, कि मूड मतलब दिमाग में कुछ और चलता रहता है और अगर काम में कुछ और करूं तो ऐसा कुछ हो जाता है। मैं थोड़ी देर के लिए रुके थे तो जब मैं कार में उठ रही थी तो चप्पल नीचे खोल के, मतलब शू जो भी मैं पहनी हुई हूँ वो नीचे उतर के मैं कार में चढ़ गई। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कुछ कुछ अधूरा अधूरा, मतलब ऐसा तो होता नहीं है, पर नीचे का जो मैट है ना, कार के नीचे का मैट, वो मेरे पैर में चुभ रहा है। तो उसके बाद मैं सोच रही हूँ कुछ अजीब सा लग रहा है। फिर जब विंडो से जब मैं से झांका तो उसके बाद मैं देख रही हूँ मेरा शू नीचे है। अब मैं खुद हंस रही हूँ, मैं तो बोल रहा है कि क्यों हंस रहे हो, क्या हुआ, ऐसा मैंने कुछ किया क्या? नहीं देखो मैं नीचे शू उतर के मैं कार में मैं चढ़ गई। अब ये दिमाग में आया कि गाड़ी एक मंदिर। मिथुन शुगर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते चाय में। जब भी मैं घर में चाय बनाती हूँ ना तो मुझे शुगर बस मेरे कप में ऐड करना पड़ता है। ये देखो ये ब्राउन शुगर। अरे शुगर मैं ब्राउन शुगर तो मैं भी यूज़ कर सकती हूँ। ब्राउन शुगर में भी एक पैकेट का 1/3 लिया। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मेरा ही गलती है। पर सजुलू तो मेरा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से शुगर ले लेती हूँ। तो ब्राउन शुगर है ये, तो मैं पूरा पैकेट ही ले लूँगी। चलो पूरा ही ले लिया। इतना गोलगप्पा जैसा हो गया ना मेरा फेस, बिल्कुल गोलगप्पा एकदम से। फुटबॉल क्रिकेट बॉल, हाँ क्रिकेट बॉल बोले अभी सही रहेगा क्योंकि सामने तो वर्ल्ड कप भी है ना, तो उसका भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। इसी महीने से शुरू होगा ना वर्ल्ड कप शायद। इसी महीने से ना, मेरा फेवरेट गेम है। फेवरेट मतलब जितना भी समझती हूँ मैं गेम के बारे में, उनमें से फेवरेट है। और फुटबॉल तो कुछ भी नहीं। और ऊपर से ये धोनी का लास्ट वर्ल्ड कप है। धोनी का लास्ट वर्ल्ड कप है ना, फिर तो देखना ही पड़ेगा ना। सचिन का भी लास्ट वर्ल्ड कप मैंने देखा था। मैं घूम के आके मैं ड्राइव किया, मैं टायर्ड नहीं हुआ, ये दोनों देखिए देखिए। जो ड्राइविंग करते हैं उनको टायर्डनेस नहीं फील होता क्योंकि वो तो एंजॉय करते हैं, जो लोग बैठे रहते हैं उनको बोर फील होता है। पूरे घर में ऐसे फैले हुए हैं हम दोनों। ये छोटा सा बेबी टायर्ड हो चुका है, पर छोटा सा बेबी का बड़ा सा मम टायर्ड नहीं हुआ है। बस नहीं, ऐसे ही बैठा है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और ये बोरिंग सा बच्चा को देखिए, जिसको देखने से ही बोरिंग हो जाता है ना। नहीं नहीं, आर्यन आर्यन को देखने से हम क्या होता है ना, आर्यन का फेस सुपर क्यूट है,
बिल्कुल स्लीपिंग पिल जैसे, अगर आपको नींद ना आए तो आर्यन का फेस एक बार देख लीजिए, आप ऐसे ही सो जाएंगे. We were kidding with a kid. Kidding with a kid is goja, not goja, good. Goja. Why? Now you have taken the responsibility of teaching. No, not teaching. Making people bore. इंग्लिश में क्या गाना गा रहा था? अभी आज का ब्लॉग हम यही पेंट करते हैं और बहुत टाइम ही हो चुका है तो हमको भी दिखाओ. आ जाओ, तुमको दिखाने के लिए आ जाना होगा. तो चलो सब मिलके बाय बाय करते हैं. तो आज का वीडियो, आज का ब्लॉग हम यही पेंट करते हैं. तो कल है संडे, कल होगा और भी एक मस्ती भरा ब्लॉग एंड ऑब्वियसली मेरा जो डिलीशियस लंच है वो भी उसमें रहेगा. तो फिर हम मिलते हैं कल संडे के ब्लॉग में. तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट. और बाय करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है. We are now 4 lakhs family, but आप लोगों के हाथ में है कितना जल्दी हम लोग 5 lakhs family हो सकते हैं. Can we become 5 lakhs family in a month? हो सकते हैं. आप लोग चाहे तो हो सकते हैं. अगर 5 lakhs जिस दिन होगा ना guys, उस दिन चाहे रात के जितने भी बजे हैं मैं उस दिन केक कटिंग करूंगी. अगर 3-4 बजे हुआ तो तब तो पॉसिबल नहीं है कि मैं लाइव आऊँ, पर वीडियो शूट कर रहे नेक्स्ट डे पोस्ट होगा. फिर से ऐसे 3 लाख के जैसे केक कटिंग. तो चलिए अभी के लिए गुड नाइट सुप्रीम. बाय बाय बाय.